गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज टिफिन में बनने वाला है भरवा लसोड़ा, जिसे हम गुजराती में गुंदा भी कहते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट हम इसे बना सकते हैं। तो भरवा लसोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल गर्म करने के लिए रखेंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम बेसन डाल देंगे। अब बेसन को हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा तेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बेसन थोड़ा सा ड्राई रहे उतना ही तेल हम ऐड करेंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसन का कलर चेंज हो गया है, तो हमारा बेसन यहाँ पर भून गया है। तो अब हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब हम इसमें से मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर बेसन भी बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो उसी के साथ भुनी हुई और पीसी हुई मूंगफली ऐड करेंगे। अब उसी के साथ धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, आमचूर पाउडर और पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे और हरा धनिया भी डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला रेडी है। तो अभी सीज़न चल रही है तो इस तरह के लसोड़े आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो इसके हम डंठन हटा देंगे। अब इसे इस तरह से फोड़ेंगे और ये काफ़ी चिपचिपे होते हैं, तो चाकू पर भी थोड़ा सा नमक लगाएंगे और इसे इस तरह से निकाल लेंगे। नमक के साथ सारी चिकनाहट इसमें से निकल जाएगी। तो हाथ पर भी थोड़ा सा नमक लगाएंगे ताकि जब हम धोए तो चिकनाहट निकल जाए। तो इस तरह से हम सभी लसोड़े में से बीज निकाल देंगे। अब लसोड़े में हम मसाला स्टफ करेंगे और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए भरेंगे। तो इस तरह से हम सभी लसोड़े में मसाला स्टफ कर लेंगे। तो इसमें काफ़ी सारा मसाला यूज़ होता है, मसाला अच्छे से स्टफ करेंगे तभी लसोड़े अच्छे बनेंगे। अब इसमें जो एक्स्ट्रा मसाला लगा है इसे हम निकाल देंगे, नहीं तो जब हम इसमें तड़का लगाएंगे तो ये जलने लगेंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई जीरा डाल देंगे, सफ़ेद वाले तिल ऐड करेंगे और हींग डाल देंगे। अब हमने जो लसोड़े स्टफ किए थे वो भी ऐड करेंगे। अब लसोड़े सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर लसोड़े अच्छे से पक गए हैं। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और बचा हुआ मसाला भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हमारा चटपटा लसोड़ा रेडी है और सबसे आखिर में हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और साथ में मैंने बनाई है आलू और परवल की सब्जी, जो बहुत सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी। यहाँ पर मैंने इस तरह के परवल लिए हैं, तो परवल के हम छिलके निकाल लेंगे और टुकड़े आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हो। और इसमें जो कड़क वाले बीज है उसे हम निकाल देंगे और इसे लंबे और पतले कट कर लेंगे और साथ में आलू को भी कट कर लेंगे। तो आलू और परवल दोनों को मैंने पहले से ही धो लिया था, तो अब इसे धोने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में एक टमाटर भी डाल देंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई जीरा डाल देंगे, हींग भी ऐड करेंगे और सब्जियां ऐड करेंगे, साथ हम रोटीन मसाले ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसे दो विसल होने तक पका लेंगे। कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो गया है तो एक बार हम सब्जी को चेक कर लेंगे। तो सब्जी अच्छे से पक गई है और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और साथ में बनाई है फुलका रोटी। और रोटी को पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी यूनिरेप पेपर फॉइल लिया है, क्योंकि इसमें पैक किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या मेटल नहीं है, तो हम इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हैं और इसका हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ये है रोटी और ये है भरवा लसोड़ा और आलू परवर की मज़ेदार सब्जी। तो ये है मेरा आज का टिफ़िन। और आज आपने टिफ़िन में क्या बनाया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी आइडिया आएगा।